नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ लगातार जारी है। राहुल गांधी सवालों के जवाब दे रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। करीब 3 घंटे से ज्यादा के वक्त से राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। राहुल गांधी जांच एजेंसी के दफ्तर में मौजूद हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। लंच से पहले राहुल से करीब 3.25 घंटे की पूछताछ हो चुकी थी, फिर उन्हें लंच ब्रेक मिला जिसमें वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए गंगाराम अस्पताल भी गए और अब ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। दूसरे राउंड की ये पूछताछ 3 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब पहले हुए, लंच के पहले भी और अब भी लगातार सवालों के बौछार राहुल गांधी के सामने। हालांकि पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, कहा जा रहा है उसको लेकर किस तरह से जवाब देना है। बकायदा कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी तैयारी कराई गई थी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है आज दिन भर। वहीं कांग्रेस के नेताओं का हंगामा चलता रहा और सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि दरअसल डर की वजह से सरकार ईडी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का काम करवा रही है और आज दिन भर जमकर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेता राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग हिस्सों में करते रहे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ईडी दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से और राहुल गांधी तमाम सवालों के इस वक्त दे रहे हैं जवाब।